हेलो फ्रेंड्स, एसबीआई में खाता है तो कृपया इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके खाते में हुए हैं बड़े बदलाव। आपको जानकर हैरानी होगी कि या फिर खुशी भी हो सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तो वो 1 अप्रैल से जो नया वित्त वर्ष लागू हुआ है उसके अंदर एसबीआई में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिन्हें लागू किया जा चुका है 1 अप्रैल से। यानी इसी बदलाव के चक्कर में 25 करोड़ खाताधारक प्रभावित हुए हैं। ये बदलाव अच्छे हैं, बुरे हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, इन सब की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखते रहिए टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और ये जो घंटे वाला बटन इसको दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एसबीआई जो है वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन देता रहता है और चेंजेस भी करता रहता है, जिससे कि ग्राहक बहुत परेशान भी रहता है और कभी कभी उसको खुशी तो शायद ही होती होगी, क्योंकि काफी सारे बदलाव किए जा चुके हैं। हो सकता है इस न्यूज से आपको थोड़ी खुशी मिल सके, क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं कि एसबीआई ने खाते में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर लगने वाले चार्जेज में 75% कम कर दिया है। यानी 75% कम कटौती होगी अब, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से ये नियम आम जनता के लिए प्रभावी हो चुका है। फैसले के बाद अब मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में खातों में मंथली एवरेज बैलेंस ना रखने पर 50 के बजाय अब सिर्फ आपको देने होंगे 15 रुपए। बहुत अच्छी बात है, पहले 50 रुपए कटते थे मिनिमम बैलेंस के, अब 15 रुपए कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में यह चार्ज 40 से घटाकर 12 रुपए कर दिया गया है प्रति महीने का। यह भी बहुत अच्छी बात है। वहीं पर 10 रुपए का जीएसटी भी एक निश्चित स्थिति में ही लागू होगा, हर वक्त लागू नहीं होगा, तो बहुत अच्छी बात है। और आपको बता दूं कि एसबीआई में उसके तमाम सहयोगी बैंकों का विलय हो चुका है। आपको पता है बैंक थे ये बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, महिला भारतीय स्टेट बैंक, जो भी था ये 5 बैंक थे। इन सबका विलय होने के बाद में 31 मार्च तक इनकी चेकबुक बदलनी थी, जो अब टाइम पूरा हो चुका है। जिन्होंने बदल ली उनकी ठीक है, और जिन्होंने नहीं बदली है उनको नई चेकबुक इशू करवानी है, वही काम में ले सकते हैं। पुरानी चेकबुक अब काम में नहीं आएगी, क्योंकि उसका अल्टीमेटम टाइम 31 मार्च था। तो फ्रेंड्स, आपको हो सकता है इस न्यूज को सुनकर थोड़ी खुशी हुई हो, क्योंकि मिनिमम बैलेंस चार्ज जो है कम हो चुका है। और जिनका विलय हुआ है, जो 5 बैंकों में से किसी का खाता था, उन सबका अगर एसबीआई में विलय हुआ है तो वो सब नोटिस कर लेंगे। अगर चेकबुक बदला ली है तो अच्छी बात है, नहीं बदलाइए तो आप बैंक में जाए और इस एप्लीकेशन देखिए, चेकबुक बदलवाए और आपके एटीएम कार्ड और पासबुक सारी चीजें हैं उन सबके बारे में इन्फॉर्म कीजिए, वो सारी चीजें बदली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अभी एसबीआई के बारे में इतनी ही न्यूज है। नई न्यूज के लिए आप देख करिए टेक एनसी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।